अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से ये दुआ है कि वो आपको और हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, खुश व आबाद रखें और हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी यूनिक स्टाइल में फ़्राइज़ की रेसिपी, बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही कम टाइम में झटपट से आप ये यूनिक स्टाइल फ़्राइज़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। और रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिए थे आलू, उनको मैंने अच्छे से छिलका उतार के कट के मैंने उनको 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल कर लिया है। अब जैसे ही ये बॉयल हुए हैं तो गरम गरम ही हमने इनको मैश करना है। ऐसे एक बाउल ले लें, उसके ऊपर इस तरह की छलनी ले लें और अच्छे से आपने चम्मच की मदद से इनको अच्छे से मैश कर लेना है। अगर आप इनको ठंडा कर देंगे तो फिर हो सकता है कि आपको थोड़ी ये तकलीफ़ दें मैश होने में। तो इस तरह से आपने चम्मच की मदद से इनको प्रेस करते जाना है और छलनी में से निकाल लेना है, क्योंकि हमें बहुत फाइन इनका पेस्ट चाहिए आलुओं का, तभी ये फ्राइज बहुत अच्छे बनेंगे। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आपने जो मैं टिप्स आपको दे रही हूँ वो आपने फॉलो करनी है तो आपके ये फ्राइज ऐसे ही मज़ेदार और ऐसी ही शक्ल आपकी बनकर आएगी। और बच्चे बुजुर्ग आप सब इंजॉय कर सकते हैं। लंच बॉक्स में आप बच्चों को दें, खुशी से वो लेकर जाएंगे और पेट भर कर खाएंगे। फ्राइज तो बच्चे खाते ही हैं, उनको बहुत पसंद होते हैं। अगर डिफरेंट स्टाइल में हम दें तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आप किसी बर्थडे पार्टी पर ये जो है बनाएं, फ्राइज बहुत ही अच्छे लगते हैं। और आपने ज़रूर मेरे कहने पर ये रेसिपी बनानी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये फ्राइज़ आपके बनकर तैयार होंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा इनको बनाते हुए। और यहाँ पर जी इस तरह से आलू जो है हम अच्छे से इनको कर लेंगे मैश। और ये देखें बहुत अच्छे से ये मैश हो रहे हैं सारे जो हैं, इस तरह से हमने कर लेने हैं झटपट से। पंखा आपने अगर गर्मी है तो बंद कर देना है ताकि ये आलू ठंडे ना हों। ये देखें बहुत ही फाइन पेस्ट इनका तैयार हुआ है आलुओं का। तो आपने ये जो है इसी तरह से मैश कर लेना है आलुओं को। और ये देखें जी, ये मैंने सारे आलू जो हैं अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूंगी काली मिर्च। अगर आपको पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ा सा कोई हरा धनिया या इस तरह की चीज़ भी आप थोड़ी सी बारीक कट करके वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और 1 कप इसमें जाएगा जी कॉर्नफ्लावर। ये हमने सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छे से इनको अच्छे से मिक्स करना है और एक डो की शक्ल दे लेनी है हमने। चम्मच की मदद से आप करें या हाथ की मदद से करें, हल्के हाथ से आपने एक डो की शक्ल दे लेनी है। यहाँ पर मेरे पास ड्राई पुदीना था पड़ा हुआ, मैंने सुखा कर रखा हुआ है, वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। और 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल। पहले मैंने 1 ऐड किया है और अब दूसरा चम्मच भी ऐड कर दिया है। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एक अच्छी से हमने डो तैयार कर लेनी है। अगर आपको महसूस हो कि कॉर्नफ्लावर थोड़ा और जाता है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून इसमें और कॉर्नफ्लावर ऐड करके अच्छे से डो बना लें। और यहाँ पर जी अब हमने ले लिया है पाइपिंग बैग। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो कोई सा भी आप बैग ले सकते हैं, जिप लॉक बैग ले लें। उसमें आपने एक साइड पर होल कर लेना है और उसमें आपने जो है सारी जो डो हमने बनाई है वो कर लेनी है ट्रांसफ़र। यहाँ पर मैं जी पाइपिंग बैग में ऐड कर दूंगी ये सारी जो हमने तैयार की है डो, इसको ऐड कर देंगे और भर लेंगे। और होल अब हमने बना लेना है, थोड़ा सा हमने बड़ा ही होल बनाना है, बहुत बारीक ना हो, थोड़ा सा दरमियाना सा हमने इसको तकरीबन 1/2 इंच जितना हम इसका होल बना लेंगे। अब कटिंग बोर्ड के ऊपर आपने इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है। ये देखें जी इस तरह से हम जैसे चुटिया बनाते हैं वो हम इसको देंगे शेप। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की भी आप अगर 2 को ट्विस्ट में 2 सिर्फ आप बना लें इसकी लाइंस और उसको ट्विस्ट में ले आते हैं वो भी अच्छी लगेगी, लेकिन मैं इस तरह से बना रही हूँ। और ये देखिए जैसे अगर किसी जगह से टूट रहा है तो वहीं से उसको जोड़ के तो इसको इस तरह से बना रही हूँ। ये देखें बहुत ही ईजी है इसकी शेप बनानी, बहुत ही आसान है। इस तरह से बना बना कर हम इसको ट्रे पर थोड़ा सा अपने ऑयल लगा लेना है और उसके ऊपर आपने इनको रखते जाना है। ये मैं एक और आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह से आपने इसको जो है बनाना, बहुत ही इजी, आपको ये बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत ही इजी है ये बनाना, आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। ये देखें जी,
बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्राइज़ हमारे। ये देखिए इस तरह से ये भी बन चुके हैं। ये जी रखते जाएंगे, सारे फ्राइज़ हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। आप जैसा चाहें और तरह से भी आप इसी रेसिपी को फॉलो करके आप जैसा चाहें इनको शेप दे के आपने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर हम इनको करेंगे शैलो फ्राई, और मीडियम फ्लेम पर हमने जो है ऑयल को कर लिया है गरम, मीडियम लो फ्लेम पर, ज़्यादा आपने हाई फ्लेम नहीं रखना। और ये फ्राइज़ जो हैं जितने हमने इसमें पूरे आएंगे फ्राई पैन में उतने ही हमने ऐड करने हैं, ज़्यादा आपने भरना नहीं है इसको, क्योंकि पलटने में हमें आसानी हो। और तकरीबन 1 से 2 मिनट आपने इनको पलटना नहीं है जब तक कि ये एक तरफ से फ्राई ना हो जाए। तकरीबन 5 मिनट इसका टोटल टाइम है, 4 से 5 मिनट फ्राई करने का। ये देखें इस तरह से हम इनको अब पलटेंगे, बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा कलर लग रहा है हमें। और इस तरह से हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप केचप के साथ इंजॉय करें, आप हरी चटनी के साथ इंजॉय करें, वैसे ही ये बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखें जी अब ये हमारे फ्राइज़ हो चुके हैं फ्राई अच्छे से, इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे हम तैयार कर लेंगे, और 5 मिनट में ये हमारे जो फ्राइज़ जो हैं दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन हुए हैं। और यहाँ पर जी ये हमारे फ्राइज़ हो गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार, और आपने ज़रूर बनाना है और इनको इन्जॉय करना है। चाय के साथ इंजॉय करें, या अपने बच्चों को टिफ़िन में देते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से मुँह में घुल जाने वाले क्रिस्प, बहुत मज़ेदार। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जी बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अगर अल्लाह पाक ने चाहा, ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखें अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।